नमस्कार, आज हम जा रहे हैं कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर दूर ढाको मोनेस्ट्री। इस मठ का उद्घाटन 2005 में दलाई लामा द्वारा किया गया था। जब तक मैं मोनेस्ट्री तक पहुंचता हूं, साथ में बह रहे इस नदी को और इन पहाड़ों का नजारा देखें। और इसे आप हॉस्टल भी कह सकते, जहां साथ में पढ़ाई भी होती है। अंदर काफी शांति, सुकून और अनुशासन है। और हाँ, मुझे एक बौद्ध भिक्षु भी मिले जिनसे बात हुई और काफी अच्छा लगा। बौद्ध धर्म में मंदिर नहीं होता, मंदिर को ही मठ कहते हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग पढ़ाई और ध्यान लगाने आते हैं, यानी मेडिटेशन करते हैं। फ्रेम में जिनका चित्र है, ये यहाँ के दलाई लामा जैसे ही है। मठ में भगवान बुद्ध की सोने के पानी चढ़ाई हुई प्रतिमा रखी हुई। यहाँ के कुछ चित्र बौद्ध प्रतिमाओं और बौद्ध भिक्षुओं के साथ इस दृश्य का आनंद लीजिए। मठ में कई भिक्षुक रहते हैं जो मठ के वातावरण को शांत और धार्मिक बनाते हैं। और मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।